नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार बजट सत्र की शुरुआत। बजट सत्र की शुरुआत होने पर विधानसभा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष का किया स्वागत। बजट सत्र को लेकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। विधानसभा पहुंचकर स्पीकर का किया स्वागत। बजट सत्र से पहले दिन हंगामा। नए कृषि कानून और महंगाई को लेकर विपक्ष का हंगामा। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। और लातेहार जिले में बालूमाथ में जंगली हाथियों का आतंक। जंगली हाथियों ने ग्रामीण के घर की क्षतिग्रस्त। घर में रहे सभी सामान को किया क्षतिग्रस्त। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने पर सदन में जेडीयू के विधायकों ने उनका स्वागत किया। सदन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कक्ष में पहुंचे और वहां उन्होंने सत्र की शुरुआत पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने बाद में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी विधानसभा में मौजूद रहे। विधानसभा पहुंचने पर बीजेपी के कई विधायकों ने उनका सदन पार्टियों में स्वागत किया। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे। सदन पहुंचने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव का सीधा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने सत्र की शुरुआत पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का स्वागत किया। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन महंगाई का मुद्दा गर्म दिख रहा था। विधानसभा पहुंचे आरजेडी और कांग्रेस के विधायक महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी ने विधानसभा परिसर में ही लकड़ी का चूल्हा लेकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस के विधायक शकील खान लकड़ी का और चूल्हा लेकर विधानसभा पहुंचे थे और कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा कुमारी ने विधानसभा मंडल परिसर में चूल्हा जलाकर शुरू कर दिया। प्रतिमा कुमारी राजपाकर और से कांग्रेस की विधायक हैं। पहली बार चुनाव जीतकर सदन पहुंची हैं, लेकिन रसोई गैस में बढ़ी कीमत ने उन्हें इतनी परेशान कर रही है। सरकार के खिलाफ उन्हें मिट्टी का चूल्हा जलाने के लिए फैसला कर लिया है। सरकार को घेरने के विरोध में दल के विधायक के लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कोई साइकिल से विधानसभा पहुंच रहा है तो कोई विधानसभा में बाहर चूल्हा जला रहा है। इस डेफ एंड डम सरकार को इस बात का अंदाजा हो कि लोग कितने परेशान हैं। हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनके वॉइस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये जो परेशानी का आलम पूरे बिहार में और देश में है, एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर, खासतौर पर तेल और पेट्रोल की वजह से जो कीमतें और दूसरी चीजों की बढ़ेंगी, और ये तालिका हमने इसलिए दी है कि 2014 में और 2021 में क्या सूरत हाल बनी है, तो जाहिर सी बात है कि इससे अंदाजा हो कि यह सरकार कमजोर सरकार है और राहत देने में नाकाम हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमको ये मौका दिया जाए, फिर ये सरकार छोड़ दे, हम फिर इसी पोजीशन पे इस कीमतों को लाकर रखेंगे। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष की तेवर गर्म दिख रहे हैं। विपक्षी दल के विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दलों के विधायकों ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। वाम दलों के विधायक के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के किसान के धरना प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई
को लेकर उन्होंने विरोध जताया। वाम दल के विधायक की मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों की मांग को केंद्र सरकार कबूल करे और नए कृषि कानून वापस ले। वाम दलों ने ऐलान कर दिया कि बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान वो किसान के मुद्दों पर कृषि कानून में जमकर विरोध किया जाएगा और इस मसले पर सदन के कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर नियमावली के तहत भी चर्चा की मांग की गई। काले कानून को वापस लेने की मांग पर किसानों ने आज लगातार 2 महीना से ज्यादा समय से धरना पर बैठे हुए हैं और 200 किसानों ने शहादत दी है। पूरा देश विरोध में है और इस कानून के वापस लेने के बजाय ये देश के प्रधानमंत्री किसानों को गाली दे रहे हैं, देशद्रोही कर रहे हैं, खालिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के प्रवक्ता दिल्ली में बयान दे रहे हैं कि किसान के काले कानून वापस लेना होगा, लेकिन यहां नीतीश कुमार जी को फांसीवादी ताकतों के साथ मिलकर, सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर सरकार चला रहे हैं और किसान विरोधी कृषि कानून के वो पक्ष में है। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर गर्म दिख रहे हैं। विपक्ष दल विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दलों के विधायक ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार के तरफ लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। वाम दलों के विधायक के दौरान मीडिया के स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही मुजफ्फरपुर में किसानों के धरना प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया। वाम दल के विधायक की मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों के मांग को केंद्र सरकार कबूल करे, नए कृषि कानून वापस ले। वाम दलों ने ऐलान किया है कि बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान वो किसानों के मुद्दे पर कृषि कानून पर जमकर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का पहला दिन और इस दिन विपक्ष के तेवर काफी गर्म दिखे। विपक्ष दल के विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दलों के विधायक ने आज किसान कानून आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सक्रिय भूमाफियाओं के लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की जमीन हम लूटेंगे नहीं, इस पर अंकुश लगाने के लिए अब हर जमीन का अपना यूनियन आईटी नंबर जारी होगा। सीएम ने कहा कि बड़का गांव में 26 रेतों की जमीन वापसी का लिया गया फैसला भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। जमीन संबंधी विवाद ना हो इसीलिए भू राजस्व विभाग तेजी से काम कर रहा है। यहां कई जमीन पर को लेकर कई वंशगतियां हैं जिन्हें सबसे पहले दूर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम जमीन की गड़बड़ियों की शिकायत कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधक प्राधिकार की बैठक में 1 तारीख से कोचिंग सेंटर और सिनेमाघर, पार्क और 7वीं से ऊपर की जितनी भी कक्षाएं हैं उसे खोलने का फैसला किया। पिछले 11 महीने से कोचिंग संस्थान बंद थे, लेकिन अब राज्य में बहुत हद तक कोरोना का कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसे में अब तमाम चीजों को खोला जा सकता है। देखिए, झारखंड प्रदेश में जिस तरीके से जमीनों को लेकर अक्सरा विवाद सुनने को मिलता है, उन विवादों से कैसे निजात पाया जाए इसको लेकर
भू राजस्व विभाग बहुत तेज गति से काम कर रही है और अभी हम लोग बहुत जल्द हर जमीनों की एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट करने जा रहे हैं जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और जिस तरीके से भू माफिया जमीनों का हेर फेर कर यहाँ के आदिवासियों को यहाँ के जमीनों को लूट रहे हैं उन सभी का अब अंकुश लगेगा और इसको अलग अलग स्तरों पर इन सब विषयों पर सरकार संज्ञान लेते हुए लोगों के प्रति नियम संगत न्याय करने का संकल्प लेते हुए काम कर रहे हैं। लॉकडाउन समाप्ति का या कह लें जीवन सामान्य करने का लगातार हमारा प्रयास चल रहा है और इसको लेकर कई स्तरों पर हमने बैठकें की, कई स्तरों पर कई निर्णय लिए और आज भी आपदा प्रबंधन की बैठक थी, उसमें कई चीजें जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीजें हैं जो मुझे लगता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपर फास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आरा से आ रही है। आरा से बता रहे हैं हम आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा, दो हंगामे में बीच दो गांव के बीच हंगामा हुआ है। हंगामे के बीच दोनों तरफ से ईंट पत्थर चली है। आरा से बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको, जहां सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है, दो गांव के बीच ये हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद दोनों तरफ से ईंट पत्थर चली है। पथराव में बड़हरा थाना के SSI BN सिंह को चोट लगी है। वही बड़हरा थाना क्षेत्र के पढ़हरिया गांव का ये मामला सामने आया है। आरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राकेश कुमार मौजूद है। राकेश, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो गांवों में बीच जमकर हंगामा हुआ है, क्या है पूरी स्थिति, अभी क्या बनी हुई है? मैं बता दूं कि जिस तरह से सरस्वती पूजा को लेकर के गाइडलाइंस आई थी कि कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पूजा अच्छे तरीके से करना है, थाने से लाइसेंस लेना है। हालांकि ये जो मामला है मारपीट का, ये विसर्जन के दौरान ये घटना घटी है और इसमें भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के सिमरिया पलड़िया गांव का ये मामला है, जहां शराब के नशे में ये विसर्जन कर रहे थे युवक, जिसको लेकर के पहले तो दोनों बुद्ध के बीच में पहले हल्की नोक जो हुई, उसके बाद से जो है हाथापाई हो गई और पत्थरबाजी हो गई, जिसमें बड़हरा थाना क्षेत्र के एक जो कर्मचारी है, जो एक अधिकारी वो DNC को बुरी तरह से जख्मी हो गया। राकेश, हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे, इस दौरान प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, मौके पे अभी मामला को शांत करा दिया गया है और मौके वारदात पे जो है पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है, ताकि ये मामला जो है आगे ना पड़े, उग्र ना हो दोनों पार्टी की तरफ से। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कि शराब के नशे में विसर्जन के दौरान वो भी पुलिस की मौजूदगी में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मामला है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सवाल उठते हैं। राकेश, इस दौरान SSI को भी गंभीर चोट लगी है, कैसे हालत है अभी SSI के?
जी उनका इलाज जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। उनको हल्की चोटें आई हैं, उनके सर पे ईंट से जो है वार किया गया था, इससे वो घायल हो गए थे, जिनका इलाज जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। चलिए राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लम आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने किया। प्रेस को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जबरन 3 काले कानून पारित किए गए हैं, उन्हें के खिलाफ 20 फरवरी को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली का आयोजन हजारीबाग में किया जा रहा है, जो कि ऐतिहासिक होगा। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वो चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन हो या फिर वारदोली की आंदोलन। हरित क्रांति की जननी इंदिरा गांधी थी, किसान का नारा भी कांग्रेस की ही देन है। देखिए, हजारीबागे ने इस तरह का रैली और भी प्रमंडल में होंगे, जिले में होंगे, और कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ रही है और आगे भी लड़ते रहेगी। ये हजारीबाग अंत नहीं होने वाला, इसके आगे भी और हम लोग रास्ता देखना है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे संथाल में भी हुआ है, तो इसी तरह हम लोग चरण बाय चरण हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग किसान के साथ में है। इसी मकसद हम तो अभी बोले ना 2-3 हजार ट्रैक्टर यहाँ पर आने की पूरी संभावना है और कम से कम 25-30 हजार आदमी यहाँ पर आएंगे जाकर। क्या हजारीबाग ऑफिस में है? संसदीय क्षेत्र है हजारीबाग। ऐसा तो नहीं है कि बादल पत्रलेख जी को यहाँ पे जमीन तलाशी जा रही है कि यहाँ पे लगातार उनका? देखिए, बादल पत्रलेख जी एक जमीनी नेता है और वो हर जगह जाते हैं। आपको मैं बता सकता हूँ, अभी बगल में चतरा है, कुछ लोग बोलते हैं चतरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी हजारीबाग में घूम रहे हैं, तो हजारीबाग तो मेहनती आदमी है और इसी मकसद से देखिए उनको जिम्मेवारी दी गई है, चाहे मंत्री रहे हर कोई रहे। कांग्रेस का सिद्धांत है हर कार्यकर्ता को अपना अपना जिम्मेवारी दी जाती है, उसको निभाना है जाके। इसी मकसद से बादल पत्रलेख जी को जिम्मेवारी दी गई है और वो घूम रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका जितना तारीफ करे वो कम हो जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय के स्मृति में उनके पौत्र आशीष सहाय की तरफ से हजारीबाग के अलग अलग जगहों पर गरीब असहाय लोगों के बीच नए कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री केबी सहाय स्मृति सेस के सदस्य अमृतेश कुमार ने बताया कि इससे पहले भी केबी सहाय को पौत्र आशीष सहाय के सौजन्य से कपड़ों का वितरण किया गया है। देखिए, केबी सहाय जो है पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, तो उनके पोते के द्वारा पूरे हजारीबाग में 3600 वार्ड में लगभग कपड़े का वितरण किया जा रहा है, जिसके पहले भी हम लोग बांटे हैं, अभी भी इसको बांट रहे हैं और चाहते हैं कि हर एक चीज का जो भी समस्या है उसके निदान के लिए हम लोग हर समय आगे रहेंगे। आशीष सहाय के सौजन्य। दुमका जिले के सोहाय घाट प्रखंड के हंसडीहा जिले में परिषद डाक बंगला सह कार्यालय हंसडीह में 200 मजदूर के कपड़े बांटे गए। साथ ही मजदूर नेता राजकुमार जायसवाल ने मजदूरों के बीच सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाओं को विस्तार में बताया और ज्यादा से ज्यादा मजदूर को संगठित होने का कहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य निभा जायसवाल भी इसके तरफ से भी कपड़े बांटे गए। इससे पहले भी कोरोना काल में किसी की दुर्गा पूजा फीकी न पड़े, इसी को लेकर देखते हुए महिला और पुरुष मजदूरों को ये कपड़े बांटे गए। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के व्यवसायी सुरेश प्रसाद साव के आवास पर सटर में
एमसीसी नाम के हाथ में लिखित पोस्टर के जरिए से पेट्रोल पंप में काम बंद करने की चेतावनी दी गई। पोस्टर में लिखा है कि अपने आपके द्वारा जो नया पेट्रोल पंप का निर्माण कराया जा रहा है तो उसे जल्द से जल्द बंद कर दें, नहीं तो रांची पिस्का मोड में रह रहे आपके दो बच्चों और एक बच्ची को मार दिया जाएगा। जिसके बाद सुरेश प्रसाद साव ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नालंदा जिले के नरसराय थाना क्षेत्र के स्थित बिहार शरीफ पटना मुख्य मार्ग पर बस और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बारे में बताया गया कि बाइक बिहार शरीफ के नुरसराय की ओर से आ रही थी, जबकि इस बस पटना के बिहार शरीफ की ओर से आ रही थी, तभी हेंगपुरा गांव के पास दोनों में टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शेखपुरा सदन थाना क्षेत्र के इंडार मोहल्ले में नाला विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में कृष्ण यादव और प्रमोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना की जानकारी देते हुए परिजन साकेत कुमार ने बताया कि मारपीट की घटना को अंजाम देने में उदय यादव, जयंत यादव और छोटू यादव के परिवार के लोग शामिल है। हालांकि मामले में अब तक प्राथमिकता दर्ज नहीं करने की बात कही गई है। फिलहाल घायलों का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में चल रहा है। नाली के कारण पानी गिरता था और इसे झगड़ा। कौन लोग झगड़ा किया? जयचंद कुमार और उदय कुमार और छोटू कुमार। कितने लोग घायल हुए हैं? दो और घायल। कौन कौन है ये लोग? दोनों भाई है। क्या नाम है? कृष्ण यादव और प्रमोद यादव। इस संबंध में कहीं थाना उना भी शिकायत किए हैं? नहीं, शिकायत अभी नहीं की। क्या आग करना है? देखिए अगर जो मतलब आरोपी सब क्या मारपीट के मतलब क्या कहना है उन लोग का? बराबर इस तरह का होता है क्या? बराबर यानी कि इधर का कोई अथी नहीं था, उधर पानी गिरता था, उसके बाद वो पहले से ही प्लान बनाए थे मारने के लिए। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित मुरपा पंचायत में बीती रात 25 से 30 की संख्या में जंगली हाथियों ने भोजन की तलाश में जमकर उत्पात मचाया। वहीं जीपुआ निवासी सुखदेव यादव के घर पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों ने घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही घर में रखा सभी अनाज खाकर चले गए। पटना में एलजेपी के 208 नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी नेताओं के पार्टी की सदस्यता दिलाई। जानकारी के मुताबिक पार्टी के कई प्रकोष्ठकों के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों ने पाला बदलकर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि राजधानी पटना में हर जगह पर एलजेपी की बागियों का पोस्टर दिख रहा है। जेडीयू कार्यालय के बाहर भी एलजेपी के बागी नेताओं और उसके समर्थकों का पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस वजह से जेडीयू के कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी के कई नेता उस समय भी एनडीए का भी समर्थन कर रहे थे। पटना के एलजेपी में 208 नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
वहीं विधानसभा चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस वजह से जेडीयू के कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी के कई नेता उस समय भी एनडीए के का ही समर्थन कर रहे थे। झारखंड में सबसे बड़े मेले के रूप में जाने वाले इटखोली महामहोत्सव कल से ही शुरू हो गई है। इसे देखते हुए स्थानीय विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हालांकि कोरोना के प्रकोप के कारण मेले में भीड़ लगाने पर रोक होगी। वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना का खासी ध्यान रखा जाएगा। भक्तों के लिए मंदिरों का द्वार खुला रहेगा। इसके साथ ही परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करने में छूट होगी। हर साल की तरह इस बार भी इटखोड़ी महोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके संदेश को मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा भक्तों को सुनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में कोविड-19 के चलते कहीं भारत सरकार ने महोत्सव का परमिशन नहीं दिया है। स्थानीय लोगों का मांग है कि चूंकि लगातार कई वर्षों से हो रहा है, इसलिए छोटा ही सही पर पूजा रचना कमीशन मंदिर में होना चाहिए। तो इसी निमित्त सदा समारोह मंदिर में पूजा रचना होगी, सोशल डिस्टेंस में ध्यान में रखते हुए और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का। सीपीआईएम की सदस्य वृंदा करात इन दिनों अपने रांची दौरे पर है, जहां आज वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंची। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। हालांकि सूत्रों से हवाले से खबर है कि इस बीच कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई है। आपको बता दें कि सीपीआईएम के सदस्य वृंदा करार बृहस्पतिवार को रांची पहुंची। इस दौरान उन्होंने सीएम से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की उन्होंने। हालांकि उनकी ये मुलाकात राजनीतिक चर्चाएं बनी हुई है। तीन कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसान संगठनों के रेल रोके का आह्वान किया गया, जिसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर रांची के नामकोट स्टेशन पर वामदलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रेल पटरियों पर उतरकर अपना विरोध जताया, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने जबरन वाम कार्यकर्ताओं से रेल पटरियों से हटाया। प्रदर्शन कर रहे वाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान कोलकाता रांची शताब्दी एक्सप्रेस को गंगा घाट स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोका गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30।